क्रिएटिविटी का तड़का में आज की जो रेसिपी है वो हमारे मैक्सिमम मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करी है। जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया हमारे फेसबुक क्लोज्ड ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जायका का तड़का में विद द लवली मॉम शेट के साथ सूजी अप्पम की रेसिपी श्वेता एक्चुअली मैक्सिमम मॉम्स ने आपसे मांगी है। बीना कनौड़िया जी, सीमा श्रीवास्तव जी, तन्वी अग्रवाल बंसल जी दिल्ली से, सुरेंद्र पाल कौर जी ने मांगी है कि सूजी अप्पम उनको आप बनाना सिखाएं। एंड दिस इज अ रेसिपी जो श्वेता अपने बच्चों के लिए बहुत बनाती है। इट्स वेरी इजी फटाफट बनती है और इसमें एफर्ट भी बहुत कम लगता है। तो मैं शुरू करें? फिर मैंने यहाँ एक बोल सूजी ली है। इसमें हम अभी पहले कर्ड डालेंगे, पहले इसका बैटर बनाएंगे अप्पम का। ठीक, घर का फ्रेश कर्ड है, ऑलमोस्ट 4 स्पून जितना लिया है। पहले हम चेक करेंगे 4 to 5 स्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी थिक है तो और भी थोड़ा कर्ड लेंगे, कंसिस्टेंसी इसको बैटर जैसी बनानी है। मैंने और 3 स्पून डाले हैं और थोड़ा सा अभी हम पानी डालेंगे। और ये बैटर को ना एकदम पतला नहीं करना है क्योंकि अप्पम के उसमें डालने हैं, उसको अप्पम बनाना है इसलिए। और थोड़ा सा मैं डालूंगी क्योंकि उसको अभी हम रेस्ट करने रखेंगे तो पानी पूरा सूजी पानी सोक कर लेगा। सो ये देखिए ऐसे अभी कंसिस्टेंसी रखेंगे। अच्छे से एकदम आप मिक्स कर दो सब। अभी इसको हम 1/2 आवर रेस्ट करने रख देंगे तो क्या होएगा, पूरा सूजी पानी सोक कर ले, सूजी अच्छे से फूल जाएगी। मैंने भी हमने एक बैटर यहाँ पे 1/2 आवर पहले सोक कर दिया था। ये देखिए अभी मैं इसको रेस्ट करने रख दूंगी। ये देखिए मैंने बैटर ऑलरेडी रखा था और ये गाढ़ा हो चुका है। आप देखेंगे सूजी पानी सोक करती है। तो आप इसको ऐसे ही रखें। पहले हम सब वेजिटेबल डाल देंगे, उसके बाद देखेंगे अगर चाहिए तो और डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी। अभी हम पहले सब अपने वेजिटेबल्स डालेंगे इसके अंदर। तो मैंने ये आप चॉइस के है, आपको जो डालना है। सो अनियंस है, बारीक काटे हुए टमाटोस 2 स्पून। यहां मैंने ग्रेटेड कैरेट्स लिए हैं और ये ग्रीन चिली और जिंजर ग्रेट की। और पहले स्पाइसेस डाल देंगे, सो सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये जीरा पाउडर 1/2 स्पून, थोड़ा सा धनिया 1/2 स्पून और लिटिल बिट ऑफ पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया पत्ता। हमें एक बार सब मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए क्रिएटिविटी का तड़का में हम हमारे फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया में हमारे मेंबर्स की जो डिमांड है वो रेसिपीज आपके संग शेयर कर रहे हैं। सूजी अप्पम की रेसिपी लेके आए हैं, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। हम अभी सबसे पहले यहाँ तड़का रेडी करेंगे इसके लिए। सो मैंने यहाँ ऑन कर दी तड़का के लिए और मैं पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ये सारे वीडियोस जो हम लेके आते हैं आपके लिए अनएडिटेड होते हैं, कोई रीटेक नहीं, कोई रीशूट नहीं, तो गारंटी आपकी किचन में भी ये रेसिपी ऐसी ही बनेगी। अभी जैसे अपना ऑयल गरम होने आएंगे तो हम सबसे पहले डालेंगे राइस में मस्टर्ड सीड्स 1/2 स्पून जितना। ये देखिए एकदम वो तड़कने लगी है और उसमें हम थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये अपना तड़का रेडी हो गया, अभी मैं गैस बंद कर दूंगी। ये तड़के को हम इसमें डालेंगे, उसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अभी अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। अभी यहां मैंने ये मेरे पास अप्पम का मैंने पैन लिया है, सबसे पहले मैं इसको ग्रीस करूंगी ऑयल से। सो थोड़ा सा पहले ऑयल डाल दूंगी सब में, थोड़ा सा एक में लेके ऑयल ग्रीस कर दूंगी सब। ग्रीस करने से क्या होगा कि आपके अप्पम चिपकेंगे नहीं, yes. आप आसानी से बना सकते हैं। श्वेता इज अ लेफ्टी, आपको जैसे कि श्वेता के लिए एक्चुअली मेरे बाएं हाथ का खेल है सूजी अप्पम बनाना।
वो आपने टिफिन में बहुत टिफिन में आप बहुत बनाते हैं राइट सूजी आप बहुत वेरी हेल्दी नो और बहुत फास्ट बन जाते हैं. हाँ अभी हमने ऑयल कर दिया, अभी मैं उसको गैस ऑन कर दूंगी. अभी जब तक ये गर्म हो रहा है हम पूरे अप्पम अपने डाल देंगे. देखिए अब यहाँ पे हम सारे के सारे फिल कर देंगे. तो देखिए सारे हमने फिल कर दिए हैं यहाँ पे और उसको भी हम स्लो गैस कर देंगे. स्लो फ्लेम करके उसको ढक देंगे तो ऊपर की साइड से भी अच्छे से शुरू हो जाएंगे बनने के लिए. So, और आप उसको किसी भी उससे कवर कर सकते हैं. अगर आपके पास अपम पैन कवर वाला है तो उससे कवर करिए, नहीं तो आप नॉर्मल अपनी कढ़ाई का भी कवर यूज कर सकते हैं. सो अनदर 2-3 मिनट्स देन वंस वी चेक. ओके सो 2-3 मिनट हो गए तो अपन चेक कर लेते हैं. यस एक बार चेक करते हैं. तो आप कोई भी पॉइंटेड नाइफ या किसी से भी कर सकते हैं, ऐसे धीरे से लेके आप एक बार चेक करना. ये देखिए अपना ऑलमोस्ट हो चुका है. सो आई विल टर्न ऑल ऑफ देम ताकि ये दूसरी साइड से सिक जाए. यस और आप थोड़ा सा इसके ऊपर भी ऑयल ब्रश कर थोड़ा सा लगा सकते हो. ऑयल लगाना है तो अच्छा बिफोर टर्निंग तो क्या होगा नीचे से भी अच्छे से सिक जाएगा. ऐसा तो ऑलरेडी ग्रीस्ड है तो सिक ही जाएगा. अगर लगाना है तो थोड़ा सा अभी मैं सब पलट दूंगी चेक करके. ये देखिए ठीक है वन बाय वन धीरे धीरे हाथों से पॉइंटेड नाइफ से हम यहाँ पे पलट रहे हैं. और ये कितनी देर और सिकेंगे स्लो फ्लेम पे? एकदम स्लो फ्लेम पे आना था 3-4 मिनट्स. 3-4 मिनट्स ठीक है. तो अभी हम इसको पलट के सिकने देंगे 3-4 मिनट फिर हम आपको दिखाते हैं. देखिए अब दूसरी साइड से भी हमारे 2-3 मिनट हो गए हैं. सो वील चेक. तो मैं गैस बंद कर दूंगी और हम चेक कर लेंगे. ये देखिए एकदम अच्छी तरह से ये देखिए पूरा हो गया दूसरी साइड भी. सी दिस सो बन चुके हैं. देखिए सूजी अप्पम अभी हम इसको निकाल देंगे गर्मा गर्म. और ये गर्मा गर्म आप कोकोनट चटनी टोमेटो चिली सॉस या फिर ग्रीन चिली सॉस जिसके संग भी आप खाना चाहते हैं शेजवान सॉस आप खा सकते हैं. बहुत टेस्टी लगते हैं गर्मा गर्म. इसको पॉप करने में बहुत मजा आता है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है. बच्चों को भी अच्छे लगेंगे. सो बन चुके हैं देखिए हमारे सूजी अप्पम क्रिएटिविटी का तड़का में. थैंक्स टू द लवली मॉम श्वेता शेख के संग हम वापस से एकदम शानदार रेसिपी लाए बाय हाथ के खेल में. उन्होंने ये रेसिपी बना दी राइट श्वेता. तो फाइनली मुझे भी श्वेता के द फेमस सूजी अप्पम ट्राई करने को मिले. थैंक यू टू बीना जी सीमा श्रीवास्तव जी तन्वी अग्रवाल बंसल एंड सुरेंद्र पाल कौर जी जिन्होंने हमसे ये रेसिपी रिक्वेस्ट करी हमारे फेसबुक क्लोज ग्रुप जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया में. अगर आपको भी हमसे रेसिपीज रिक्वेस्ट करनी है जो आप जायका का तड़का पे देखना चाहते हैं या फिर अपनी रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक क्लोज ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा जायका का तड़का बाय विजय हल्दिया. जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में. अब इसको बनाइए खाइए एंजॉय करिए. अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा. मिलेंगे दोबारा. बाय बाय एवरीवन. बाय बाय.